आज आप रमेश जी त्रिवेणी संगम में विराजमान हो। त्रिवेणी संगम कहते प्रयागराज, प्रयागराज पहला इलाहाबाद कहता ना, हमें उठे प्रयागराज कहते हैं। गंगोत्री जमोत्री सरस्वती रो संगम है, वैग्नि आप लोग जुड़ा हो त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम अठे ही है, तीन गंगा और संगम की संत महात्मा बतावे। पहली गंगा भागीरथी, दूजी गंगा न्यात, तीजी गंगा सतसंगरी, त्रिवेणी कहा। पहली गंगा भागीरथी जो पाठ मास विराजमान, दूजी जो समाज रहा बंधु पधारियो, तीसरी सत्संग गंगा। और प्रयाग जी ने कहे आपने जाने जटे निन्नोनु यज्ञ हो और सौ अश्व यज्ञ वे, जटे सौ यज्ञ रो आयोजन वे जिन जगह माते, उन जगह ने साफ प्रयाग प्रयागराज के प्रयाग। अपना भारत में मैंने 108 प्रयाग। तो गंगा मैया ने बोलना है, गंगा मैया सुहावणी और निर्मल धारोनी, जो प्राणी स्नान करे जानो कंचन भूत शरीर। इन गंगा ने भजन में कोई तो राजा बलियू गावे है, राजा बलि उत्पत्ति शुरुआत करे है, लेकिन अपे बटो शुरुआत करो जटो गंगा आइए। अरे बारा बरसरा भैया रे भागीरथ वन में सूरत लगाए, ये बारा बरसरा भैया रे भागीरथ वन में सूरत लगाई, वन में सूरत लगाई रे। शंकर जटा समाई, ब्रह्म कमल से निशरी गंगा शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई रे। अरे तप करने भागीरथ लायो स्वर में घाट गंगा, हमारे मन भाई संतों ने मन ये भाई भाई संतों ने मने ए भाई गंगा।
चले जो गंगा जीरो ध्यान धरत है गोता कबुन खाई जो गंगा जीरो ध्यान धरत है गोता कबुन खाई गोता कबुन खाई रे। अरे अपने कुल को ऐसे तारे अपने कुल को ऐसे तारे वो जैसे कमल तिराई रे कमल तिराई ले हमारे मन भाई संतों ने मन भाई सतजुग तार त्रेता जुग तारो द्वाजुग तारण आए सतजुग तार त्रेता जुग तारो द्वाजुग तारण आई अरे द्वाजुग तारण आई रे। अरे तुलसीदास भजो भगवाना तुलसीदास भजो भगवाना एक कलयुग रे जमें गंगा गुप्त होये ये दाईया लोप होये दाई गंगा ताली ले हमारे मन भाई राजा रे मन भाई गंगा ताली ले बोलो हरिद्वार गंगे मात की जय हो अजर अमर आत्मा की जय हो ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। महात्मा लोग लिखे गंगा मैया किन प्रकार आई है संसार में राजा दक्ष की पुत्री है गंगा राजा दक्ष की पुत्री है गंगा देवग्नि ऋषि देवग्नि की दोहिती है गंगा पार्वती की बड़ी बहन है गंगा श्राप का कारण वह जलमग्न हो गई तो पाची प्रकट करना हुई कि जिस समय राजा बलि ने चलन वास्ते वामन रूप धारण करियो वामन रूप रो पाचो विराट रूप धारण करियो और एक चरण ब्रह्म लोक में गए और उन दाई ने चरण रो अंगोटे पाची उपजी और ब्रह्मा जी ने कमंडल में गंगा मैया आई। तो ब्रह्मा जी रा साहब रमे जी इंचा मंचा कर्मणारा पुत्र अलग अलग होया 14 पुत्र मनु होया। सुनिएगा बड़े बात इस बात को क्योंकि जागरण का मेन सार इस बात से है पूरा संजोग इन बात से है। तो ब्रह्मा जी रे 14 पुत्र होया मनु पुत्र और 14 मनु और सतरूपों में सृष्टि रचित हुई और 14 मनु रे साहब सातवीं संतान हुई है जिन्हों नाम है इश्क वाकु अपने सूर्य वंश कुल उठन शुरू हुई है इश्क्वाकू और इश्क्वाकू रे के चौथी पीढ़ी में राजा सागर हुए रमेश जी अपन नौंडी भाषा मारवाड़ी भाषा रमाने अपने राजा सागर कहया था क्योंकि कई कई मारवाड़ शब्द ऐडा है जगह पे कोई दुनिया में लिखित नहीं हुए हड़क सही शब्द कहीं है सड़क ह और प ये दो शब्द ऐडा है जो दुनिया में नहीं लिखी थे बीकानेर और नाम कहीं है बीकानेर बी पर लिखी देख देख नहीं लिखी ली और हर कली नहीं लिखी ली हैं तो महात्मा लोग लिखे अपने नॉर्डी भाषा में राजा सागर कहया करो पर हिंदी भाषा में मैंने नौ में रमेश जी राजा सागर और पूरिया कहया करे एक राजा सागर एक हिणी रे कन्या रो कन्या दान करी और उन्हें महान फल मिलियो तो राज्य में शांति विचार एड़ो कई काम अपना हाथ से होयो जो राज्य में सुख शांति है। तो ब्राह्मण ने पूछो भाई एड़ो कई काम होयो अगर एड़ो काम और करा तो अपने राज्य में शांति रहे। तो ब्राह्मण देवता पहला भी तीन काल की बात बताता भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल। ब्राह्मण देवता कहो महाराज आपरा हाथ से कन्या रतन दान
ब्रह्मा जी राजा सागर मन में विचार कर एक कन्या दान करना शु इसको फल मिलियो है तो क्यों नहीं अपने ब्रह्मा जी ने पीड़ी रहा और ब्रह्मा जी 6000 पुत्रिया मंगला सजनों 6000 नहीं कहे और 600 नहीं कहे कभी ओपा लगा दी 8000 बाद में 6 का सब मतलब गिनती अनंत अपार है। एक तो बात अटक हुई और एक इनसे पहला बात हुई दादा के राजा सागर आप दुई रानियों ने लेदार भुरगुरु सिर कने गया भुरगुरु सिर कने दान के बाप जी धन गणी राज गणी पण धन रुकाड़ो एक री जगह दो रानियों है पण दो री आशा बंदी नहीं तो भुरगुरु सिर एक रानी ने कहयो कि भाई थारे केड़ो औलाद चाहिए भाई पहली रानी कहो मारे एक ही लड़को चाहिए जकर मैंने 16 गुण और 16 संस्कार होना चाहिए लड़को एक ही चाहिए पर उन लड़के में 16 गुण 16 संस्कार होना चाहिए और दूर दूरी कहीं रमे थी महाराज जो खुशमा दी थी बाबू जी बस क्यों धोली में टाबर पड़िया मन दिता ही हजारों बाबू जी के ततास बात जुबान भड़गी अटीनू राजा सागर के तपस्या में बैठा है तो रमेश जी और कुर्सी वालों को था मैं उनको है हमें तो वाइल्ड पंचर रिपोर्ट हुए पहला पहला मोटी कुर्सी होती एक दादा इंदर इंदर ने हो चाहे रे राजा सागर तपस्या करे पुत्री प्राप्ति वास्ते और इतनी पुत्री और कन्या दान कर दे मारी सीट दो पहलड़िया में मौत में खाली खाली पड़ी तो कहीं करा पर देवता राजा हो इंदर सरस्वती तो कंठ में बोले अपन देवी उन देवी ने कहो हे देवी थाने काम करना पड़ी देवी के आदेश करो आप तो हमारा राजा हो तो अगर राजा हो तो एक पालन कर आज्ञा रोक कहीं कि जिन टाइम राजा सागर वरदान मांगे उन समय पुत्री ईरी मात्रा नहीं लागनी सही जे खाली पुत्र जीवन पालटो निकालो चाहिए जो अब ब्रह्मा जी प्रसन्न होया अरे मांग राजा सागर मांग राजा खुश रहे मैंने के बाप जी 6000 पुत्र प्राप्ति ब्रह्मा जी के तथा पचक अरे पुत्र या मांग तो ब्रह्मा जी के किरण तू मंत्री जदु ले वरदान एक ही मिली अब राजा रे दो रानियां एक रानी रे जन्म में असम जलसी महाराज और एक रानी रे वो मास रो पिंड जन्मियो तो पहला दिन कोई कह तीजे दिन कोई के हाथ वे दिन नाव धो कर रास सबम पेश करता के तोर 22 से जन्मया कंवर से जन्मया तो जो ही राजा आगे दोनों पेश किया राजा मन में एक तो विचार कर भाई एक तो कंवर है और दूधड़ो कहीं है 84 लाख दिया दूर में नहीं वो मांस रो पिंड इन में कीड़ा कलबड़े अपन कोई काल तो नहीं है संतरी ने कह दो फेंक दो संतरी हमलदार हो संतरी ने देखियो आज के दिन फेंक दो काल का पात लाओ क्यों राजा है राजा जो की अगन दर जोरी उल्टी रीत डरता रही जो परस रो में थोड़ी सी पड़े दर जो की जमरा अग्नि से अलबत ना भूल जो महाराज भरोसा कभी निकलना खेत रुकाली बाढ़ करे बाढ़ खेत में काय अरे राजा डंडे रेत ने वहां कटे पुकारना जय सुख जी जगह मत रख दियो तो आपने जो ने माया भाई पिंड फूटे हुए को टाइम नहीं लागे और वरदानी पुत्र बड़ा हो तक ही टाइम नहीं लागे अरे नो पिंड फूटो अने कीड़ी निकलो निकले जो निकलिया कीड़ी नगरो नालो फिकर निकले जो निकलिया बेटा है पची पची पर्रा जवान बट्टा लेन आज होगी आर्मी बट्टा लेन आई है और रेलगाड़ी का डब्बा खसे जो आवे सब राजा सागर मेल रे सामी आवे तो आज रमेश जी अपन घर आगे कोई 10 आदमी अचानक आ जावे नहीं तो अपने ही होच पड़ता गया की कराए पग दूधन डूब जावे हैं अन वे तो पूरा कीड़ी नगर हो जो आ रही है आप प्राण के पिताजी मैं तोरा बैठा 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 तो एक गली रे मैंने तोंडा एक ने 8 बेटा वे नहीं तो गली में हूं तो पे ही हूं के मारो तो 8 डील बराबर और तो 8000 नित नियम कहीं 300 हाथ रो पेरो खोदने पानी माता पिता ने मंदन कराओ रोज रो पेरो खोदता खाली दो लोटे पानी वास्ते धरती माता ही दुखी धरती माता कहे भगवान रे की ताक दिन क्योंकि अरे इधर और मन तो छोड़ नहीं कर दे जन भगवान कहे भाई इनो एंड हाय निंदोड़ी यज्ञ करिया सो यज्ञ करे अश्व अश्व यानी घोड़ो छोड़िया करे वो घोड़ो ब्रह्मांड में घूम ना जावे अगर वो घोड़े ने कोई नहीं पकड़े तो यज्ञ सफल होवे और यज्ञ सफल होवे रमे जी इंद्र राज मिले मिले इंद्र देखिए पहला सीट नहीं की तो हमें दादी दे क्यों क्योंकि यो कुड़ा पाती और घोड़ो कोई पकड़े को नहीं और घोड़ो नहीं पकड़े जन यज्ञ पूर्ण होई यज्ञ पूर्ण हो जन सीट खाली तो उठूं कहवे महाराज कपिल मुनि पछ आया कोलाय पहला कहवे हिमालय पाड़ रमाई ने तपस्या करता कपिल मुनि भगवान विष्णु रा सपरा आता
24 अवतारों में 17वां अवतार भगवान विष्णु का कपिल मुनि हिमालय में तपस्या करता तो महाराज ने वरदान हुआ कि हे महाराज अगर आप तपस्या में कोई विघ्न डाल दे तो आप आंखों में इतनी दृष्टि तेज वर्षा अग्नि वर्षा वेला के सामने कुछ भी हो भस्म भेजे वेला। अब वे 8000 होता होता 8000 होता होता कह रहे इन बाबरी हिम्मत ने मारो घोड़ो तो बूढ़िया बैठा आने पूछो कि बूढ़िया कहता पहला हो चुका पचे तोलनो पचे बोलनो पिन हो जो हम जो बोले तो पहले ही फोड़ा पड़ता ना मैं फोड़ा पड़े अने कहा बाबरी हिम्मत ने मारो घोड़ो। अब 8000 आदमी ने घोड़ो कोई गणो भाई और महाराज की तपस्या भंग पड़ी और नैना खुलिया जो अग्नि वर्षा हुई जो हैंग राग निकली अधोगति क्या पर रमे जी अधोगति क्या करे भूत 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 पूरो एक ही कृष्णा संद नियाल कर दे एक ही हैं दो एक होया तो पूरे जोधपुर नियाल कर दे बे 8000 त्राई इमाम करने लगा जन असमदर्शी महाराज कपिल मुनि कने जान के बाप जी आप दृष्टि से वर्षम तो होगा पणी रो गति की जरो के गति ब्रह्म लोक को गंगा आवे और गंगा रो पानी यो मधु बे तो योर गति बे नहीं तो नहीं कोने असम से सी तपस्या करी गंगा नहीं आई असम से जीरो या अंशुमान वे भी तपस्या करी गंगा नहीं आई अंशुमान रो या दिलीप वे भी तपस्या करी गंगा नहीं आई दिलीप रो या भागीरथ तो पहला गंगा क्यों को आई नहीं क्यों नहीं आई क्योंकि पहला वे खाली आप रो सोचो ए मारे दादा ने तारा है कोई के मारे दादा ने तारना है कोई के मारे परदादा ने तारना है कोई के मारे काको ने तारना है लेकिन भागीरथ जिन समय बैठा भागीरथ के हे देवी मारे पूर्व जड़ा जड़ा और भी कई अन्य जीव भी अधोगति की ओर आए संसार में तारने वास्ते आपने मृत्यु लोक में आते लावणा चाहो ब्रह्मा जी प्रश्न या मांग के बाप जी गंगा संग ब्रह्मा जी के बाप जी गंगा ने मेल तो देऊ भागीरथ भागीरथ अब नोटी भाषा में कौन लेकिन इनो ही नाम भागीरथ तो भागीरथ जी महाराज कहो बाप जी गंगा ने मेलो ब्रह्मा जी के मेल तो देऊ पर इनो वेग रफ्तार तेज गई है हिदी पाताल में दर्द रहा बेटा बाप मैं ही इतना पर हंबाली उठ रखी और मारे कनु थू कमाई तो इनो वेग कम करने वाली तपस्या कर किनी महादेव देवादी देव महादेव शंकर भगवान जी 12 साल तपस्या करी शंकर भगवान के मांग भागीरथ के मांगू की नहीं तो रमे जी महादेव जी के खोटी क्यों हो 12 साल अरे बाप जी यूं खोटी हो के काई के ब्रह्मा जी गंगा मिले उन्हें थोड़ी मुकुट में राख लिए शंकर भगवान के आवण दे नीति भाकर में माथो तपीड़ो है। अब गंगा ने रमे जी अभिमान हो के ओ कहीं बाबू मारी जट झेल सके पर शंकर भगवान गंगा ने एड़ी रमई चिंता में एड़ी रमई एड़ी रमई एड़ी रमई जोंगी आरसी तेरी भेंट करी है बूंदी नीचे नहीं आवण और डोकरो झट्टा में बेड़ी कर परी गांठ दे पुरो बड़े बैग फल लगा भागीरथ के केड़ी केड़ी नीचे छोड़े भरने बैग बड़ा तपस्या करी उन टाइम भागीरथ सही जगह के बाप जी सही जगह को लेन बैगा उन टाइम गंगा कहो भागीरथ थारा पूर्वज किन जगह मन कोई ध्यान नहीं है तू तो जातो रहला पर मैं थारे ला रखत है क्यों ला भागीरथ लीनी बांस रे लकड़ी रमे जी बांस रो पहला दो जगह इस काम आओ एक तो ले जावे जणो और एक डोंगरी हमें टेंटर मैन छपरो मैन कईर डोंडो मैन घणी कम आवे पहला बांस लो दो जगह काम आवे और बांस ले री डोंगरी लीनी डोंगरी हमेशा पौड़े रे चीज डोंगरी ले और के मैं थारे आधार माते रस्तो बनाऊ बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार बड पानी फिरियो और वे डिगली मातु पानी होयो मोर मोक्ष उद्योग तो भागीरथ के रे ऋषिकेश और हरिद्वार में संत तपस्या करे और वो दर्शन वास्ते गंगा और कोई पूर्वज रे फूल लाई तो मेरे नजदीक रे इन वास्ते हरिद्वार रे हरि पेड़ी माते ला और डोंगरी ने फेंक दी जणो डोंगरी बोली भाई गर्द जणो लियो बुओ अन गर्द फेंक दी गर्द मिट्टी फेंक दी मारो पाई आधार रही के संसार में मोड़े रस्ते माता गंगा आई है जनो भागीरथ के जो प्राणी आपरा पूर्व रे फूल ले अवेला गंगा ने हरावला तो गंगा री धारी लेला तो पहला थने लेला और थारे आधार माते गंगा उमर घर तक जावेला थारी रात जगावेला दूजे दिन गंगा जी री प्रसादी करेला इन वास्ते अपन जागण ने कया कर डोंगड़ी रात कोई भूल चूक है तो बूढ़िया निवारण कर लीजो पण मारे हिसाब तो आई है हिसाब और पंथवारी ही भागीरथ की स्त्री तो पहला के पतिव्रता नारियों पति ने जड़ तक नहीं कहो तो जड़ तक
आगे पाउंड देती नहीं। तो भागीरथी जी समय गंगा लावण गया, उन समय पंथवारी पाथल फोरी फोरी भागीरथी और पंथवारी बड़ी जगह डूबी रही। 1,17,000 वर्ष का एक जगह युति रही, पीपली बन गई। जनो बात आया जनो भागीरथ पीपली में प्रकट करी पंथवारी ने। तो आज भी गांव रमन रिवाज है कि गंगा जी रवन होवे जनो पंथवारी पावे और गंगा जी हाथे पाथी पंथवारी ने बदावे और बड़ा पीपली ने पूजे और पंथवारी उठे रखे। तो भागीरथ की तो अच्छो काम करियो, आपरा पुरुष तारे जो तारिया पूरे संसार ने तार दियो पण आ नी तारियो जाई सतजुग तार त्रेता जुग तारियो द्वाजुग तारण आई। अरे तुलसीदास भजो भगवान कलयुग में गंगा गुप्त हो जाई। कलयुग एड़ो आवेला आ चाय पी जड़ में कह दूं कलयुग एड़ो आवेला जिन तेम गंगा गुप्त हो जाई। सतयुग और अमर जी 17,28,000 वर्ष रो और आज भी उम्र होती 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष हां आई तो 24 फुट और बतायो द्वापर युग कितो 12,96,000 हो। आदमी 1 मिनट कम होगी उम्र में कितनी हुई 1,00,000 में मिनट कम हुए ना 10,000 वर्ष और हाइट होगी 18 फुट। और बतायो द्वापर युग भगवान कृष्ण नो कितो 8,64,000 आदमी उम्र 1 मिनट कम होगी बड़े कितनी हुई 1,000 वर्ष और हाइट होगी 12 फुट। ए भीम जी पांडू 12 फुट रहा जनो धरती माते गोडो देता तो पतलो पानी आ जातो और अबे गोडो दियो ने रमे जी तो ढकनी दूजी गलानी पड़े हो भाई अहमदाबाद में जा वही रुपया 1.5 लाख लागे। और कहे बतायो कलयुग कितो 4,32,000 और आज मेरी एक उम्र कम होगी मिनी बड़े कितनी 100 साल पहले चरण और हाइट होगी 6 फुट और हमें पहले चरण में 100 साल हाइट है 6 फुट दूसरे में 50 हाइट है 4 पच्चे तीसरे में 25 हाइट है 2.5 पच्चे हड्डी बारे हाइट है 1.5 फुट हाड़ी 12 साल 6 साली लड़की माँ बन जाला 9 साली लड़की नोनी बन जाला और मिनक ने मिनक खावेला उन समय कली अवतार वेला और गंगा गुप्त हो जाला। बोलो गंगा मैया की जय हो। 2 मिनट चाय पिलवा।